मुरे घूंघट से जाके बाहर सजनवा से कह दे जो सावन में हूँ बेकरार सजनवा से कह दे जो मुरे घूंघट से जाके बाहर सजनवा से कह दे जो जी सावन में हूँ घूंघट से छाके बाहर
चाय सर। तुमने इतनी देर क्यों कर दी थी सर? सर आपको उठा के हम फिर सो गया, ये कश्मीर है इधर ठंडा बहुत लगता है सर। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहब। हम जैसा इधर देखता आता अपने फोटो में बना दिया, लंबा लंबा झाड़, बड़ा बड़ा पहाड़, आसमान। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहब। हम जैसा इधर देखता आता अपने फोटो में बना दिया, लंबा लंबा झाड़, बड़ा बड़ा पहाड़, आसमान। बहुत अच्छा बनाया आपने सर। लेकिन लेकिन सर ये जगह खाली खाली लगता। कौन सी जगह खाली खाली है? सर ये जगह रंगीला डिसोजा। ऑफ कोर्स सर, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पेंटर है ना, हम तो आपका बटलर है सर। डिसोजा मेरे साथ रहते रहते तुम्हें पेंटिंग आने लगी है, तुम्हारा ख्याल ठीक है? ये जगह मुझे खाली नजर आ रही है। देयर यू आर सर, देयर यू आर सर, हियर शुड बी सम आर्टिस्ट। मेरे साथ रहते रहते तुम्हें पेंटिंग आने लगी है, तुम्हारा ख्याल ठीक है? ये जगह मुझे खाली नजर आ रही है। देयर यू आर सर, देयर यू आर सर, हियर शुड बी सम आर्टिस्टिकल ब्यूटीफुल। इधर मांगता इधर। पर क्या बना दूं यहां सर? हमारा मतलब हाथी, घोड़ा, शेर, चीता। तुम चाय बनाओ। ओके सर। सर बम्बई कब चलना है? अभी तो छुट्टियां खत्म होने में देर है डिसोजा। लेकिन साहब हमको इधर आके भी तो बहुत दिन हो गया। वो मुन्नी माता जी जल्दी जाकर करेंगे भी क्या, दो तीन ऐसी पेंटिंग बना लो नुमाइश के लिए। नुमाइश? नुमाइश क्यों, अच्छी नहीं है? अच्छा बनाया मुन्नी माता जी। जल्दी जाकर करेंगे भी क्या, दो तीन ऐसी पेंटिंग बना लो नुमाइश के लिए। नुमाइश? नुमाइश क्यों, अच्छी नहीं है? अच्छा बनाया है लेकिन नो लाइफ, लाइफ लस। अच्छा चाय दो। लो सर। क्या आ गई सर? कोई भी होगी, आप जल्दी से फोटो बना दो। बना लो। किसका फोटो बना दूं? अरे आप हमको देता है, वहां देखो, उधर देखो। ये कहां से आ गए? अरे साहब हमें क्या मालूम क्यों आई, कैसे आई, क्यों कराई और कब। आप जल्दी से फोटो बना डालिए। ये कहां से आ गए? अरे साहब हमें क्या मालूम क्यों आई, कैसे आई, क्यों कराई और कब। आप जल्दी से फोटो बना डालिए। क्या कपड़ा होता है साहब, देखो। अरे साहब आप वहां देखता रहेगा या फोटो बनाएगा, जल्दी करो। हरिया वेरी गुड सर, मरेगा सर। सनलाइट में वेरी गुड सर, मरेगा सर। सनलाइट में फिगर की ब्यूटी उभरेगी तो बहुत अच्छा मालूम होगा। लाइट लाइट ओके ओके सर। सर अभी ये फोटो मोबाइल के काबिल हो गया। गायब हो गई? गायब हो गई? सर 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 ये फोटो मिटा दो सर से। कहाँ गई? कहाँ गई? इतनी जल्दी गायब हो गई? गायब हो गई? सर 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 ये फोटो मिटा दो सर से, फोटो मिटा दो सर, मिटा दो। अरे क्यों मिटा दो सर? वो कोई औरत नहीं, परी थी। परी? परी? हाँ सर, परों वाली परी, आसमान पर उड़ने वाली परी। सर ये लोग यहाँ आते हैं और पहाड़ों की सैर करके आसमान पर उड़ जाते हैं सर। अरे सर हंसने का बात नहीं है, ये लोग बहुत डेंजरस है सर। पकड़ो इसे। सर आप कहाँ जाते हैं सर? हमारी परी से मिलने। परी से मिलने? सर डोंट गो, सर डोंट गो। ओह माय गॉड, सेव माय मास्टर, सेव माय मास्टर। फूल बिखेर के बाहर
के बाहर। कौन है?
आप कौन है? मैं कोई हूं, आपसे मतलब? सुनिए, मैं आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? पीछा? अच्छा, ये बात नहीं है। बात क्यों नहीं? जहां मैं जाती हूँ आप मेरे पीछे पीछे। अच्छा, बात ये है कि उस वक्त जब मैं पेंटिंग बना रहा था, परछाई की तरह आप आई और एकाएक गायब हो गए। जी हाँ, उस तस्वीर में आप ऐसे नजर आते हैं जैसे आकाश से कोई देवी उतर आई और सूर्य देवता को फूल चढ़ा रही। तो क्या आपने मेरी तस्वीर बनाई है? ये तस्वीर नहीं, मेरी कल्पना समझिए। कल्पना? जी हाँ, कल्पना, फूल चढ़ा रही। तो क्या आपने मेरी तस्वीर बनाई है? ये तस्वीर नहीं, मेरी कल्पना समझिए। कल्पना? जी हाँ, कल्पना। मैं उस पेंटिंग में पहचानी तो नहीं जाती। जी, यही तो मेरा कमाल है, उसमें सिर्फ आपके खलकी से झलक है, लेकिन जिसने आपको एक बार देखा वो जरूर पहचान लेगा। पहचान लेगा? मैं उस पेंटिंग में पहचानी तो नहीं जाती। जी, यही तो मेरा कमाल है, उसमें सिर्फ आपके खलकी से झलक है, लेकिन जिसने आपको एक बार देखा वो जरूर पहचान लेगा। पहचान लेगा? लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तस्वीर, आप उस पेंटिंग से मुझे बिल्कुल मिटा दीजिए। लेकिन आप इस तरह घबरा क्यों रही? मुझे तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे, मैं ऐसी जगह आकर रही थी कि कोई भी मुझे, लेकिन यहाँ भी आपने मुझे। देखिए, आप मेरे बारे में गलत ना सोचिए, मैं एक चित्रकार हूँ, आपको सिर्फ एक चित्रकार की नजर से देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था अगर आप एक अच्छी सी तस्वीर बना लो। लेकिन यहाँ भी आपने मुझे। देखिए, आप मेरे बारे में गलत ना सोचिए, मैं एक चित्रकार हूँ, आपको सिर्फ एक चित्रकार की नजर से देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था अगर आप एक अच्छी सी तस्वीर बना लूं तो। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। लेकिन आप मेरी ही तस्वीर क्यों बनाना चाहते हैं? दुनिया में और भी हैं। जरूर हैं, लेकिन आप पहली औरत हैं जिसके चेहरे पर उसकी आदत हो। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। लेकिन आप मेरी ही तस्वीर क्यों बनाना चाहते हैं? दुनिया में और भी हैं। जरूर हैं, लेकिन आप पहली औरत हैं जिसके चेहरे पर उसकी आत्मा और जिसकी आंखों में उसका दिल झांकता हुआ मैंने देखा है। लेकिन पहली औरत है जिसके चेहरे पर उसकी आत्मा और जिसकी आंखों में उसका दिल झांकता हुआ मैंने देखा। बेटी, क्या सोच रही थी? अच्छा घर, अच्छा साथी, अच्छी जिंदगी। माँ, आज उनसे मुलाकात हुएगी, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। तुम ऐसे आदमी से दूर ही रहा करो तो अच्छा है, क्या मालूम वो कोई ठाकुर साहब का आदमी हो तो। डरो नहीं माँ, वो ऐसे आदमी नहीं दिखते, उन्होंने मुझे पहले ही नजर में पहचान लिया। हाँ, कि मैं वो नहीं हूँ जो हूँ, और जो नहीं हूँ वो हूँ। जरा ठहरिए, मैं भी तो देखो आपने क्या बनाया। आप उठ गई, देखिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बुरी? ओह, मगर ये तो अभी अधूरी है, पूरी बन जाने के बाद ये। मैं भी तो देखो आपने क्या बनाया। आप उठ गई, देखिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बुरी? ओह, मगर ये तो अभी अधूरी है, पूरी बन जाने के बाद आपको अपना असली रूप नजर आएगा। मेरा रूप? यानी आपकी आत्मा का रूप, जो कि एक चित्रकारी देख सकता है। आज आपको अपना असली रूप नजर आएगा। मेरा रूप? यानी आपकी आत्मा का रूप, जो कि एक चित्रकारी देख सकता है। इस तस्वीर को देखने से मालूम होता है कि इस औरत की दुनिया में बाहर किस कदर परेशानी है, कितनी उलझन है, और अंदर कितना। इस तस्वीर को देखने से मालूम होता है कि इस औरत की दुनिया में बाहर किस कदर परेशानी है,
कितनी उलझन और अंदर कितना सुकून, कितनी खामोशी। और अभी तो इस पर ठीक से रंग भी नहीं लगे और होठों पर वो हल्की मुस्कान भी नहीं आई, जो सिर्फ सुकून, कितनी खामोशी। और अभी तो इस पर ठीक से रंग भी नहीं लगे और होठों पर वो हल्की मुस्कान भी नहीं आई, जो सिर्फ उन्हीं लोगों के चेहरे पर नजर आती। किन लोगों की? जिनका मन देवी और देवताओं की तरफ पाक और पवित्र है। आप पहले आदमी हैं जिसने मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा को भी देख लिया। आप बंबई में क्या करते हैं? जी मैं भारतीय कला केंद्र पेंटिंग सिखाता हूँ, वहाँ का प्रिंसिपल भी हूँ। गर्मियों की छुट्टी में हमेशा मैं यहाँ आता हूँ, ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जी हाँ, जिस तरफ देखो उसने उसने। लेकिन अब मैं यहाँ सारे उस को समेट कर एक जगह देखना चाहता हूँ। वो कैसे? आप मुझे अपनी पेंटिंग का मौका तो दीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। चलिए। जी नहीं मैं चली जाऊंगी। मैं तो इसलिए कर रहा था कि आप अकेली हैं। तो क्या हुआ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अच्छा फिर कल मिलेंगे। कहाँ? मैं जहां भी हूँ आप तो मुझे ढूंढ ही लेंगे। नमस्ते। मैं जहां भी हूँ आप तो मुझे ढूंढ ही लेंगे। नमस्ते। माँ तेरे न आने से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, दिन भर कहाँ थी तू? उन्हीं के पास जिनके बारे में तुमको बताया था। माँ तेरे न आने से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, दिन भर कहाँ थी तू? उन्हीं के पास जिनके बारे में तुमको बताया था। माँ बरसों से एक अच्छी जिंदगी के लिए तड़प रही थी। अमर बाबू को पाकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा माँ, सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या तूने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है? वो मुझे पहचान कर अपना बना लेंगी, ये भरोसा तो हो जाए माँ। वो तो ठीक है, अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो मुझे पहचान कर अपना बना लेंगी, ये भरोसा तो हो जाए माँ। वो तो ठीक है, मगर अब हमारा यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। क्यों माँ? बहुत खतरनाक है। तारा आया है, कल सुबह ठाकुर साहब आ रहे हैं। Ah!
आप यहाँ कैसे चली आई? पूरी गाड़ी में जगह नहीं थी इसलिए यहाँ गई। मैं भी अजीब इस तरह सो रहा था कि आपने मेरा सामान यहाँ उतार दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं। जी हाँ। ओ, तो क्या? लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, बात यह है कि रात का वक्त इस डब्बे में मैं अकेला और आप। तो क्या हुआ, आप शेर हैं? लेकिन क्या? कुछ नहीं, बात यह है कि रात का वक्त इस डब्बे में मैं अकेला और आप। तो क्या हुआ, आप शेर हैं? खा जाएंगे मुझे? नहीं, खाने की बात नहीं। देखिए मिस्टर, दूर से बात, दूर 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 दूर। मुझे एकदम बेतकल्लुफ आदमी बिल्कुल पसंद है। आप चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाइए। अरे आपने मेरा रसगुल्ला खा लिया? मैंने खा लिया, मैंने समझा कि आपने मेरे हाथ में डाल दिया। वाह, मैंने आपके हाथ में डाल दिया? तो फिर तो शायद वो खुद मेरे हाथ पर गिर पड़ा। रसगुल्ले के पर लगे हुए थे क्या जो यहाँ से उठकर आपके हाथ में गिरा? रसगुल्ले के पर क्यों होने लगे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा रसगुल्ला और ये रहा मेरा हाथ। अब देखिए गाड़ी यहाँ से उठकर आपके हाथ में गिरा? रसगुल्ले के पर क्यों होने लगे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा रसगुल्ला और ये रहा मेरा हाथ। अब देखिए गाड़ी चल रही है, सोना हिल रहा है और ये रसगुल्ला आया। अब खा लीजिए। खा लूं? अच्छी बात। चल रही है, सोना हिल रहा है और ये रसगुल्ला आया। अब खा लीजिए। खा लूं? अच्छी बात। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बैठ जाइए, सर्कस के जोकर मालूम होते हैं। सूरज से तो आप गोली मालूम होती है, लेकिन बातें ऐसे करती जैसी। ठीक करती है, जो लड़की अकेले सफर करे उसे ऐसी ही बातें करना चाहिए। ओ, तो ये बात है, आप डर रही हैं इसलिए। लेकिन आप डर क्यों रही हैं? मैं बहुत सही आदमी हूँ। ये तो आपकी सूरत पर लिखा है। आप समझा? क्या समझे? एक तो ये कि आपको नाचने का बड़ा शौक है। ये मेरी सूरत पर लिखा है? सूरत पर नहीं, टांगों पर। अभी आपके टांगे लटकी हुई थी यूं, गाड़ी चल रही थी और आप यूं कर रही थी यूं। उसी वक्त मैं समझ गया कि आपको नाचने का बड़ा शौक है। ये मेरी सूरत पर लिखा है? सूरत पर नहीं, टांगों पर। अभी आपके टांगे लटकी हुई थी यूं, गाड़ी चल रही थी और आप यूं कर रही थी यूं। उसी वक्त मैं समझ गया कि आप नाचना जानती हैं। जी हाँ, मैं नाचती हूँ और नचाती भी हूँ। अच्छा, आप नचाना भी जानती हैं? मुझे आप ही जैसी लड़की की जरूरत थी। शट अप। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए। आप चुपचाप। नाचना जानती हैं? जी हाँ, मैं नाचती हूँ और नचाती भी हूँ। अच्छा, आप नचाना भी जानती हैं? मुझे आप ही जैसी लड़की की जरूरत थी। शट अप। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए। आप चुपचाप अपनी सीट पर जाके सो जाइए। मैडम, मेरा ख्याल है ये सोने का वक्त है इसलिए अपना मुंह बंद कीजिए। यू प्लीज कीप क्वाइट। वक्त है इसलिए अपना मुंह बंद कीजिए। यू प्लीज कीप क्वाइट। हमको समझ न लीजिए डाली गुलाब की, कर देंगे हम तो साफ तबीयत जनाब की। हमको समझ न लीजिए डाली गुलाब की, कर देंगे हम तो साफ तबीयत जनाब की। हमको समझ न लीजिए डाली गुलाब की, कर देंगे हम तो साफ तबीयत जनाब की। पछताओगे नजर किसी लड़की की, तीर आँखों में रखिए संभाल के। पछताओ
न लीजिए डाली गुलाब की, कर देंगे हम तो साफ तबीयत जनाब की। क्या क्या पूछा? अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मुझसे पूछा दुनिया में सबसे पहले नाच कहाँ और कैसे निकला? ये तो कोई सीआईडी का आदमी ही बता सकता है। और क्या पूछा? हिंदुस्तान के मशहूर नाच कौन कौन से हैं? ये तो सभी जानते हैं। और क्या? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथा, रखनऊ भी पूछा। क्यों? उन्होंने पूछा नाच का ठाट और भावना क्या है। ये चीज तो नाच कर ही बता सकते हैं। ये लोग भी अजीब है, उल्टा सीधा जो मुंह में आया पूछने लगते हैं। पूछने दो, मैं उनके सवालों का ऐसा जवाब दूंगी कि आशा देवी,
अब पहला सहार क्या था? नाच का ठाक। अब दूसरा सवाल। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? आशा देवी। आप जानती हैं कि नाच? हाँ, मैं जानती हूँ कि दुनिया में सबसे पहले नाच। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? आशा देवी। आप जानती हैं कि नाच? हाँ, मैं जानती हूँ कि दुनिया में सबसे पहले नाच कहाँ? आशा देवी, आपसे जो कुछ पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। मैं आपके बिना पूछे ही सब कुछ बता सकती हूँ। आपका दूसरा सवाल है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कहाँ? आशा देवी, आपसे जो कुछ पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। मैं आपके बिना पूछे ही सब कुछ बता सकती हूँ। आपका दूसरा सवाल है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नाच का ठाट और भावना किसे कहते हैं, लेकिन ये तो नाच कर बता सकती हूँ। आपसे कहा गया है ना कि जो आपसे पूछा जाए आप उसी का जवाब दीजिए। नाच से पहले हम आपके सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं, है आपके पास? एक नहीं, बहुत है। सॉरी, बहुत है। देखिए, प्रिंसिपल साहब को दिखाइए। प्रिंसिपल कौन? प्रिंसिपल। घबराइए नहीं, आप डांसर है ना? जी नहीं। नहीं? हाँ जी हाँ। आप कौन सा नाच सबसे ज्यादा अच्छा जानती हैं? जी जी, मैं ठुमरी, दादरा। नहीं नहीं। हाँ जी हाँ। आप कौन सा नाच सबसे ज्यादा अच्छा जानती हैं? जी जी, मैं ठुमरी, दादरा, ख्याल, भैरवी, पीलू सब नाचती हूँ। आप गाना भी जानती हैं? जी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, कथकली, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। ये आप क्या कह रही हैं? पूछते हैं जमीन की, आप बताती हैं आसमान की, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? इसलिए कि आपको आपको नचाना आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप क्या जानती हैं? जी मैं सब कुछ जानती हूँ, आप मेरा डांस देख लीजिए फिर मालूम होगा। बिना देखे ही सब मालूम होगा। नचाना आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप क्या जानती हैं? जी मैं सब कुछ जानती हूँ, आप मेरा डांस देख लीजिए फिर मालूम होगा। बिना देखे ही सब मालूम होगा। अब आप जा सकती हैं। तो आपने मुझे पास कर दिया? देखिए नतीजा बाद में मालूम होगा, इस वक्त आप जाइए। अच्छा। नहीं, इसे रहने दीजिए। शायद चेयरमैन साहब को देखकर सारी कला भूल गई। अजी ये कलाकार थी जी, बहुत अच्छी डांसर है। डांसर? नाच को गाना और गाने को नाच कहती है। और क्या, भरतनाट्यम को भैरवी और कथक को ख्याल। मैंने कहा ना, इन्हें देखकर शायद घबरा गई होंगी। आप सर्टिफिकेट देखिए। नाच को गाना और गाने को नाच कहती है। और क्या, भरतनाट्यम को भैरवी और कथक को ख्याल। मैंने कहा ना, इन्हें देखकर शायद घबरा गई होंगी। आप सर्टिफिकेट देखिए, तब आपको मालूम होगा कि काम में कितनी गुनी और होशियार है। देखिए बाला सरस्वती ने क्या लिखा है, ये कुंज कुरूप, शंभु महाराज, इन सब लीडरों में देखिए कितना लिखा। आशा देवी, मैं आप ही से माफी मांगने के लिए। माफी किस लिए? वो ट्रेन में जो आपने, जी हाँ, मैंने जो आपके साथ शरारत। लेकिन उसी शरारत से मुझे पता लगा कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं, इसलिए मैं। लेकिन मैं इतनी घबरा गई थी, वो लोग समझे होंगे। घबराने की बात नहीं, आपके साथ शरारत। लेकिन उसी शरारत से मुझे पता लगा कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं, इसलिए मैं। लेकिन मैं इतनी घबरा गई थी, वो लोग समझे होंगे। घबराने की बात नहीं, मैंने आपके नाच के बारे में उन लोगों से काफी कुछ कह दिया है, इसलिए अगर। तो क्या मुझे नौकरी मिल गई? मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। इसी नौकरी का फैसला तो आपका ना ही, मैंने आपके नाच के बारे में उन लोगों से काफी कुछ कह दिया है, इसलिए अगर। तो क्या मुझे नौकरी मिल गई? मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। इसी नौकरी का फैसला तो आपका नाच देखने के बाद होगा। ओ, आप नाचने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छी बात, आप तैयार है, मैं उनको बुलाता हूँ। देखने के बाद होगा। ओ, आप नाचने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छी बात, आप तैयार है, मैं उनको बुलाता हूँ। Thank you.
की मैं हीर हूँ। Bye.
La 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 one and two and three and four, then play the game of love. Five and six and seven and eight, then play the game of love. Nine, ten, 11, 12. Oh, very good. Ekdam first class. Beautiful. This was that? Ji, Mata. 11. 12. Oh, very good. Ekdam first class. Beautiful. This was that? Ji, Mata ji. Amar kahan hai? Wo to ghumne ko gaya, abhi tak nahi aaya. Phir tu baatein kaise kar raha tha? Picture se. Picture se? Pagla kendra. Mata ji. हम आपको बोला था ना, हमारा साहब कश्मीर में एक लड़की को देखा, उसका पिक्चर से बात करता था, अब हम दिखाता है, आओ पिक्चर से। पिक्चर से पगला केंद्र। माता जी, हम आपको बोला था ना, हमारा साहब कश्मीर में एक लड़की को देखा, उसका पिक्चर से बात करता था, अब हम दिखाता है, आओ। माता जी, ये है उस लड़की का पिक्चर। माता जी, हम पहले इसको परी समझा था, लेकिन बाद में हमारा मिस्टेक निकला। पगला के माता जी, इफ यू डोंट माइंड, हमारा साहब इसको बहुत लाइक करता, हमारा साहब इसके साथ डेली कुछ, लेकिन बाद में हमारा मिस्टेक निकला। पगला के माता जी, इफ यू डोंट माइंड, हमारा साहब इसको बहुत लाइक करता, हमारा साहब इसके साथ डेली कश्मीर में घूमने को जाता था। तो क्या अमर को ये लड़की पसंद है? माता जी, ये पिक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ, ये बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। अरे लड़की कोई भी हो, कश्मीर में घूमने को जाता था। तो क्या अमर को ये लड़की पसंद है? माता जी, ये पिक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ, ये बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। अरे लड़की कोई भी हो, तेरा साहब पसंद तो कर ले। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अमर का उजड़ा घर फिर से बस जाए। डिसोजा, उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। तेरा साहब पसंद तो कर ले। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अमर का उजड़ा घर फिर से बस जाए। डिसोजा, उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। तुम कब आया? डिसो तुम इन्हें कैसे जानते हो? साहब, हम पहचान गया। माता जी, सॉरी माता जी, वो लड़की आया, कश्मीर वाला। कश्मीर वाली लड़की? हाँ माता जी, साहब सॉरी माता जी, वो लड़की आया, कश्मीर वाला। कश्मीर वाली लड़की? हाँ माता जी, साहब आपसे मिलाने को लाया, ड्राइंग रूम में बैठा है। अच्छा, जल्दी चलो, जल्दी। आओ माँ, ये हमारे कॉलेज के नए डांस टीचर हैं, आशा देवी। नमस्ते। जीती रहो बेटी, अच्छा हुआ तुम दोनों एक ही जगह एक साथ काम करने लगे। बैठो बैठो बेटी। देखो दादी माँ, आज दीदी कितने गुब्बारे लाए मुझे। अच्छा आंटी, तुम्हारे लिए गुब्बारे लाई है, तुम भी तो उन्हें कुछ। बैठो बैठो बेटी। देखो दादी बा, आज दीदी कितने गुब्बारे लाए मुझे। अच्छा आंटी, तुम्हारे लिए गुब्बारे लाई हैं, तो तुम भी तो उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ मुन्नी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए चॉकलेट लाती हूँ। नहीं नहीं मुन्नी। नहीं कैसे, मैं भी लाती हूँ। देखो तो मेरी चॉकलेट का है। अंदर है, अंदर चलो चलो। बहुत प्यारी बच्ची, ये तीन दिन की जान थी, जब से इसे कलेजे से लगाए बैठी हूँ। तो क्या मुन्नी की माँ? हाँ बेटी, अपनी यही एक निशानी छोड़कर चल बसी, सोचती हूँ मैं भी चल बसी तो इस बच्चे की देखभाल। माँ, तुमसे कितनी बार कहा कि एक आया रख लो, तुम तो बसे। बेटा, आया किसी बच्चे को वो प्यार नहीं दे सकती जो एक माँ दे सकती है, क्यों बेटी? जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। आजी, आजी। जी। आप जितना खा सको खा लो, बाकी के घर ले जाओ। थैंक यू मेरी प्यारी मुन्नी,
तुम्हारी गोद में मुन्नी को मुस्कुराते हुए देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। इसका मतलब ये है कि आशा देवी आपको पसंद आ जाएंगी। तेरी पसंद मेरी पसंद है बेटा। सुना आशा देवी, माँ जी ने आपको पास में मुन्नी को मुस्कुराते हुए देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। इसका मतलब ये है कि आशा देवी आपको पसंद आ जाएंगी। तेरी पसंद मेरी पसंद है बेटा। सुना आशा देवी, माँ जी ने आपको पास कर दिया। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। नहीं बेटी, बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। अरे डिसोजा, रहने दीजिए माँ जी। बैठो लालती। नहीं मुन्नी, इस वक्त देर हो जाएगी, फिर कभी आऊंगी। नमस्ते अमर बाप। लेकिन अब अकेली कैसे जाएंगी? नहीं बेटा, रात का समय है, तुम भी साथ चलिए। दादी मैं भी चलूंगी। आइए। नमस्ते। इसी रहो बेटी। अरे मुन्नी, अभी तक तुम स्कूल नहीं गई? अभी स्कूल की बस नहीं आई डैडी। अरे मुन्नी, अभी तक तुम स्कूल नहीं गई? अभी स्कूल की बस नहीं आई डैडी। फिर क्या देख रही हो? ये तेरी मेरी बात, ये अशांति की तस्वीर है डैडी। नहीं तो तुमसे किसने कहा? डिसोजा कहता है ये अशांति की तस्वीर है। वो तो गधा है। दादी भी यही कहती है। अगर दादी ये कहती है तो मैं तुम्हारी दादी। नहीं तो तुमसे किसने कहा? डिसोजा कहता है ये अशांति की तस्वीर है। वो तो गधा है। दादी भी यही कहती है। अगर दादी ये कहती है तो मैं तुम्हारी दादी को तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी माँ है। डैडी, मेरी माँ कौन है? तुम्हारी माँ। बताइए ना डैडी। दादी को तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी माँ है। डैडी, मेरी माँ कौन है? तुम्हारी माँ। बताइए ना डैडी, मेरी स्कूल की सहेलियाँ राधा, शीला, मैरी, सबकी अपनी अपनी माँ है, और मेरी माँ। मुन्नी, तुमसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। मेरी स्कूल की सहेलियाँ राधा, शीला, मैरी, सबकी अपनी अपनी माँ है, और मेरी माँ। मुन्नी, तुमसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। फिर आप उन्हें लाते क्यों नहीं? पर मैं कैसे लाता? दादी कहती है आप ही मेरी माँ को ला सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहती दादी? हाँ, लाइए ना दादी, प्लीज लाइए ना। अरे तुम्हारी बस आगे जाओ, आप मेरी माँ को जरूर लाना। हाँ दादी, देर हो जाएगी। रिगल थिएटर, मशहूर नर्तकी कल्पना का नाच और गाना साढ़े नौ। कल्पना, रिगल थिएटर, मशहूर नर्तकी कल्पना का नाच और गाना साढ़े नौ। कल्पना, हेलो मैनेजर रिगल। ओ हाँ, आपका कार्ड मुझे अभी मिला। अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। हेलो मैनेजर रिकल। ओ हाँ, आपका कार्ड मुझे अभी मिला। अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। एक रंगीन महली हो तुझे क्या मालूम, भरी दुनिया में अकेली हो तुझे क्या मालूम, तेरे पास चले आई हूँ, तेरे ख्वाबों की सहेली हो तुझे क्या मालूम। Thank you.
कोई प्यार की मेहंदी मलेगा आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे सारा जमाना चलेगा आज चलेगा किया था एक मजनू दीवाना लैला की नजरों ने किया था एक मजनू दीवाना तुमने तो लाखों को दिल भर कर डाला मस्ताना तुमने तो लाख दीवाना तुमने तो लाखों को दिल भर कर डाला मस्ताना तुमने तो लाखों को दिल भर कर डाला मस्ताना लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे सारा जमाना जलेगा आज चलेगा तेरे गोरे हाथ पे कोई प्यार की मेहंदी सारा जमाना जलेगा आज चलेगा तेरे गोरे हाथ पे कोई प्यार की मेहंदी मलेगा आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे सारा जमाना जलेगा आज चलेगा सारा जमाना जलेगा आज चलेगा मिलता रहेगा जलने जलते भुन जाते हैं लाखों ही अफसाने ओए मिलने वाला मिलता रहेगा जलने वाला जलेगा आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे वाला जलेगा आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे सारा जमाना जलेगा आज चलेगा मैं खिड़की में आऊंगी जब शाम को सूरज ढल सारा जमाना जलेगा आज चलेगा मैं खिड़की में आऊंगी जब शाम को सूरज ढलेगा आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे सारा जलेगा आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे लेकिन इतना याद रहे सारा जमाना जलेगा आज चलेगा माना जलेगा आज चलेगा तो
मेरा पीछे शहर में भी नहीं छोड़ा। मालूम हुआ तुम बॉम्बे में हो, सोचा मुलाकात करता चलूं। तुम्हारे आने का मतलब मैं समझती हूँ। रुपयों की जरूरत होगी। हाँ रुपयों की जरूरत तो है, काफी समझदार होती जा रही हो। तुम्हारे आने का मतलब मैं समझती हूँ। रुपयों की जरूरत होगी। हाँ रुपयों की जरूरत तो है, काफी समझदार होती जा रही हो। तुम्हें रुपए देते देते मैं कोई काम वाम करो। काम? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। अरे तो तुमको मेहनत करने के लिए किसने कहा है? तुम चाहो तो आराम से बैठ के खा सकती हो, मेरा मतलब। चुप रहो। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? इस शो की तुमको मेहनत करने के लिए किसने कहा है? तुम चाहो तो आराम से बैठ के खा सकती हो, मेरा मतलब। चुप रहो। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? इस शो की क्या आमदनी है? मुझे नहीं मालूम। मालूम कर लो, मैं बैठ के इंतजार करता हूँ। मुझे कम से कम 500 रुपए की जरूरत है। अच्छी बात है, तुम जरा बाहर बैठो, मैं कपड़े बदलती हूँ। माँ जी से कह देना अमर बाबू आए। हाँ, आपकी पेंटिंग। माँ जी से कह देना अमर बाबू आए। हाँ, आपकी पेंटिंग का क्या हाल? आप चली गई, वो पेंटिंग अधूरी रह गई। अब पूरी हो जाएगी। मैं तो समझा था क्या, लेकिन आप अचानक वहां से गायब क्यों हो गई? आप क्या समझे? मैं तो वही समझा जो आपने कहा था। क्या? यही कि जो आप हैं वो नहीं है और जो नहीं है वो है। अब जा किधर रही हो? मुझे अपने मंजिल का खुद पता नहीं। मुसाफिर की मंजिल तो वही बन जाती है जहां वो ठहर जाए, है ना? ठीक कहा आपने, जहाँ आप कहेंगे अब मैं वहीं ठहर जाऊंगी। और फिर गायब हो जाओगी। अमर बाबू, मैं नसरों से दूर हो गई थी लेकिन दिल से नहीं। जहाँ आप कहेंगे अब मैं वहीं ठहर जाऊंगी। और फिर गायब हो जाओगी। अमर बाबू, मैं नसरों से दूर हो गई थी लेकिन दिल से नहीं। सच पूछिए तो आपकी याद ही मुझे शहर में ले आई है। लेकिन लेकिन इस वक्त कहाँ ले जा रही हो? चलिए आप ही के घर चले, वहां आपके माता जी और आपके मुन्ने से मिल लूंगी। हाँ वो जो तस्वीर मैंने कश्मीर में बनाई थी उसे भी देख लेना। डिसोजा। डैडी, डिसोजा दादी के साथ बाहर गया, घर में मैं हूँ। मुन्नी, मैं चलाता हूँ। मुन्नी, मैं चलाता हूँ। तस्वीर के सामने बैठे तुम क्या कर रही हो? देख रही हूँ। तस्वीर तुम्हें पसंद है? आपने मुझे नहीं बताया था लेकिन मुझे सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? यही कि मेरी माँ की तस्वीर है। अरे तस्वीर तुम्हें पसंद है? आपने मुझे नहीं बताया था लेकिन मुझे सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? यही कि मेरी माँ की तस्वीर है। अरे तुमसे किसने बता दिया तुम्हारी माँ की तस्वीर? मुझे दादी ने सब बता दिया, यही मेरी माँ है। मेरी माँ कब आएगी ये सब दादी पंडित जी के पास पूछने गई है। अरे अरे, पर दादी को ये सब किसने बता दिया? आप मुझसे छुपाते क्यों हैं? क्या छुपाता हूँ? दादी ठीक कहती, आप भी मेरी माँ को नहीं लेकर दादी पंडित जी के पास पूछने गई है। अरे अरे, पर दादी को ये सब किसने बता दिया? आप मुझसे छुपाते क्यों हैं? क्या छुपाता हूँ? दादी ठीक कहती, आप भी मेरी माँ को नहीं लेकर आते। सच दादी ऐसा कहती है? हाँ। तुम इनसे मिलना चाहती हो? हाँ दादी। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठी हुई। अरे सच दादी ऐसा कहती है? हाँ।
तुम इनसे मिलना चाहती हो? हाँ डैडी। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। अरे माँ, मुन्नी आप इतने दिनों से कहाँ थी? हम डैडी से रोज आना पूछते थे कि हमारी माँ कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है। तुम्हें खुद पता नहीं तुम क्या कर जाती हो, जो मुँह में आया वही। ठीक तो कहती। ठीक कहती। इसने मुझे माँ कहकर मेरी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर दिया और ये प्यार अब मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन लेकिन मुन्नी और किसी के सामने नहीं कहना कि ये। इसने मुझे माँ कहकर मेरी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर दिया और ये प्यार अब मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन लेकिन मुन्नी और किसी के सामने नहीं कहना कि ये। दादी से, दादी के सामने भी माँ। दादी जब तुम्हारे डैडी कहेंगे तब कह देना। अच्छा माँ। ये है वो तस्वीर। ये है वो तस्वीर। ये तो मेरी। तुम्हारी नहीं तो और किसकी? लेकिन आपने तो कल्पना का नाम लिया था। अरे बेटी, एक कलाकार जब अपनी पसंद को कला के रूप में ठान लेता है तो उसकी कल्पना ही कही जाती है। ओह, मैं समझ गई। आशा बेटी, बेटी मुझे तेरी ही जैसी बहू की तलाश थी जिसकी गोद में मुन्नी को अपनी माँ का खोया हुआ प्यार मिल जाए और जिसकी मोहब्बत से अमर की सुनी जिंदगी में फिर से बाहर आ जाए। अरे आप, आप पी क्या रहे? अरे आप, आप पी क्या रहे? सिगरेट या माचिस? न जाने किस ख्याल में था मैं। आप है कहां? ऐसा खोकर रह गए हैं कि कुछ भी पता नहीं, अपनी भी खबर नहीं। आशा दीदी, मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब कोई किसी की याद में खो जाता है तो ऐसा ही होता है। हाँ ये तो ठीक कहा आपने कि मैं किसी की याद। किसकी याद? ये भी मैं ही बताऊं? लेकिन लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? मैं आपसे हर तरह से छोटी हूँ, मुझे आप नहीं तुम कहा कीजिए। तो ठीक है, लेकिन आपको मैं। तुमको? हाँ तुमको। जब आप तुम यहाँ थी नहीं, फिर कैसे पता चला कि मैं? आप इतने घबरा क्यों रहे? आप नहीं चाहते कि किसी को मालूम हो तो नहीं मालूम होगा। मैंने तो ये बात सिर्फ माताजी से कही थी कि फिर कैसे पता चला कि मैं? आप इतने घबरा क्यों रहे? आप नहीं चाहते कि किसी को मालूम हो तो नहीं मालूम होगा। मैंने तो ये बात सिर्फ माताजी से कही थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि। और ये बात भी बुरी है कि कॉलेज का एक प्रिंसिपल शादी से पहले किसी लड़की के साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है, बुरी बात है ना? ये तो कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात नहीं, फिर भी मैं चाहता था कि जब तक ये बात तय ना हो जाए और हम दोनों फैसला ना कर लें तब तक। मैं आपका मतलब समझ गई। हेलो, मैं कल्पना। ओ हाँ, देखिए आज शाम को 7:30 बजे मैं जी होटल जा रही हूँ, अगर आप भी वहां आ जाए तो। अच्छा आशा, तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो? अब ज्यादा ना बनाइए, ये बताइए कहाँ मिलो? जुहू होटल 7 बजे। जुहू होटल 7 बजे? 7 बजे मुझे भी किसी से मिलना था। अब ज्यादा ना बनाइए, ये बताइए कहाँ मिलो? जुहू होटल 7 बजे। जुहू होटल 7 बजे? 7 बजे मुझे भी किसी से मिलना था। तो ऐसा करें जिससे तुम मिलना चाहती थी उसे भी जू होटल 7 बजे बुला लें। तो फोन कर दीजिए। क्या नंबर? नंबर 252460। और नाम? नाम फैसला होने के बाद बताऊंगी। अच्छा तो तुम भी मेरी तरह। 2524 2460।
0. हेलो, कौन? डिसोजा? डिसोजा? ये किसका मकान है? प्रिंसिपल? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे से? तो मेरे घर का नंबर है। मजाक तो आप कर रहे हैं, अपना घर का नंबर भी याद नहीं? तो शायद तुम्हारा और हमारा नंबर मिलता जुलता होगा। 2524 की जगह 2425 होगा। मैं अभी कर देता हूँ। मैं उनको फोन कर दूंगी, आप तकलीफ ना कीजिए। अरे तकलीफ? तकलीफ किस बात की? 2425 6। हेलो, 2425 6 0। अजी मैं भारत भारतीय कला केंद्र से बोल रहा हूँ। जी हाँ, आशा देवी की तरफ से। हेलो, 2425 6 0। अजी मैं भारत भारतीय कला केंद्र से बोल रहा हूँ। जी हाँ, आशा देवी की तरफ से। आशो नहीं, आशा देवी। हाँ जी, वो आपसे 7 बजे जुहू में मिलना चाहती, जुहू होटल में। हाँ जी, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी डंजिंग H A L L हल डंजिंग हल। आशा देवी कठे? आशा देवी? मुझे नहीं मालूम। कौन है? प्रेमचंद नानक चंद सूरत वाला। क्या चाहते हैं? आशा देवी से मिलना। आशा देवी कौन? आशा देवी कौन है? प्रेमचंद नानक चंद सूरत वाला। क्या चाहते हैं? आशा देवी से मिलना। आशा देवी कौन? आशा देवी हमको अभी फोन किया था। ओ ओ आशो, अच्छा लेकिन आपको तो झूठ में बुलाया था ना 7 बजे। अपने को अभी मिलने का। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामचंद इनको ऑफिस में बैठा दो, आप वहां बैठिए, मैं उन्हें खबर देता हूँ। जल्दी बुला। हाँ जल्दी खबर देता हूँ। आशा देवी, आशा देवी आइए। आप आइए, मुझे जूते उतारने पड़ेंगे। क्या? मेरे मतलब मैं जूते पहने हूँ, आप इधर आ जाइए। आप हंस क्यों रहे? वो जो सेठ साहब है ना, वो आपसे मिलने के लिए यहीं चले आए अभी इसी वक्त। सेठ साहब? कौन सेठ साहब? वो जो रात के 7 बजे झूठ में आपसे मिलने वाले थे। आपको कुछ कहना है तो कहिए। मुझे कुछ नहीं कहना, वो सेठ बैठे हुए यहाँ आके। आपने किसी को फोन कर दिया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस हद तक मजाक कर सकते हैं। मजाक नहीं, वो सचमुच आए हुए हैं। आपने 2425 2426 नोट नंबर दिया था ना, वो आए हुए हैं। कैसे लगे आपको? इसीलिए तो हंस रहा हूँ, आपकी पसंद की तारीफ करनी पड़ती है। क्यों, मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी आपको? खैर ये तो अपनी अपनी तबीयत है, लेकिन वो बैठे हुए उनसे मिल तो लीजिए। आप भी आइए। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे हंसी आ जाएगी, आप ही जाइए। आशा देवी जी, आप यहाँ? नहीं जी, इस कुर्सी। आशा देवी जी, आप यहाँ? नहीं जी, इस कुर्सी पर आप बैठिए। आज बहुत मुश्किल से आपका फोन नंबर मिला। मुश्किल की क्या बात थी, फोन की चौपड़ी में प्रेमचंद नानक चंद सूरत वाले को तो लबड़ो चौड़ो नाम लिखवा है। आपका नाम भूल गए। हमने तुमको की जरूर देखा है, ये समझ में नहीं आता ये कहाँ आपकी हमारी भेंट हुई है। आजकल आपका बिजनेस कैसा चल रहा है सर जी? चल नहीं साहब, दौड़ा दौड़ा। परसों बिंडी पे दुआ खेला था तो कल 20,000 रुपया आ गया। अच्छा, तो आजकल लक्ष्मी देवी आपसे बहुत खुश है? ये सब भगवान की कृपा है। कल लक्ष्मी देवी जी ने रुपए के रूप में दर्शन दिए थे और आज ये सब भगवान की कृपा है। कल लक्ष्मी देवी जी ने रुपए के रूप में दर्शन दिए थे और आज आप क्या करती हैं?
मिलना चाहती हूँ। अपने को भी नहीं चाहेगा, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। अपने को नाच गाने का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। तो फिर सेठ जी आपको हमारे कॉलेज की जरूर मदद करना होगी। जरूर करेगा, जरूर करेगा। इस कॉलेज को कुछ फंड की जरूरत है। तय हुक्म कीजिए। आप सिर्फ 10,000। 10,000 नमो पेशो। नमो पेशो नहीं जी, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। धन के साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए सेठ जी। दिल के धंधों में ऐसी अपना धन गया, प्रेम चंद नानक चंद सूरत वाला तो क्यों काम से। 10,000 सेठ जी सुनिए तो। 10,000 रुपया मरा भाव। 10,000 रुपया सुनिए तो। 10,000 रुपया मरा भाव। 10,000 रुपया हेलो कल्पना, तुम मेरे पहले पहुंच गई। मैं समझा कि आशा, मैं समझा कल्पना। आप मुझे कुछ भी समझ सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। हम दोनों वक्त से पहले ही आ गए। आते क्यों नहीं, हम दोनों की आने वाली जिंदगी के बनने का सवाल है ना। हाँ ये तो है, लेकिन अब तक न मेरी कल्पना आई न आपके वो यानी उनके लड़के। जब तक वो नहीं आते यूं समझिए आप मेरे वो हैं और मैं आपकी कल्पना। मगर मेरे जो वो है ना, वो वादे से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। अच्छा यूं समझिए आप मेरे वो हैं और मैं आपकी कल्पना। मगर मेरे जो वो है ना, वो वादे से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। अच्छा वो आ चुके कहाँ है वो? मेरे पास, मेरे सामने। मजाक अच्छा कर लेती है। मजाक अच्छा, तुम आप ज्यादा ना बनाइए, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? आप नहीं जानते अमर बाबू, मुझे कितनी खुशी हुई जब आपकी माता जी ने मुझसे कहा कि। क्या कहा माता जी? कि आप मुझे अपने चरणों में हमेशा के लिए। तो क्या माता जी ने तुमसे शादी की बात की मेरे साथ? जी हाँ, और जब मैंने उनसे शादी का इकरार कर लिया हमेशा के लिए। तो क्या माता जी ने तुमसे शादी की बात की मेरे साथ? जी हाँ, और जब मैंने उनसे शादी का इकरार कर लिया तो मारे खुशी के माता जी के आंसू निकल आए, गले से लगाकर बोले, मुझे तेरी ही जैसी बहू की तलाश थी जिसकी गोद में मुन्नी को अपनी माँ का खोया हुआ प्यार मिल जाए और जिसकी मोहब्बत से अमर की सोनी जिंदगी में फिर से बहार आ जाए। आशा तुम्हें और माता जी को दोनों को बहुत भारी गलतफहमी हो गई है। आशा आशा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी जिंदगी में सचमुच कल्पना एक लड़की है जिससे मुझे बहुत आशा। वो अभी आती होगी। मैं कल्पना बैठी। आप आशा देवी हमारे कॉलेज में डांस सिखाती? अच्छा तब तो हम दोनों एक। आप आशा देवी हमारे कॉलेज में डांस सिखाती? अच्छा तब तो हम दोनों एक ही बीना के दो तार। एक बीना दो तार? जी हाँ, एक देवता के दो पुजारी। मेरा मतलब है कि हम दोनों कला और संगीत के पुजारी हैं। आपसे पहले मुलाकात हो जाती तो कितना अच्छा होता। पहले मिलते तो जैसे दो अनजान, लेकिन आज इस तरह मिले हैं जैसे दो दोस्त। और एक दोस्त के नाते से मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कैसी मदद? मेरे अगले शो में दो लड़कियों के डांस का मुकाबला होता है आशा, अगर आप भी मेरे साथ। आपके साथ डांस? हाँ आशा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ। मैं अपनी दोस्त की खुशी को अपनी ही खुशी समझूं। थैंक यू।
अच्छा साथ, आपके साथ दान? हाँ आशा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ। मैं अपनी दोस्त की खुशी को अपनी ही खुशी समझूं। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? फिर मिलेंगे कल्पना देवी। नमस्ते। नमस्ते अमर बाबू। गजब हो गया कल्पना, आशा को न जाने कैसे गलतफहमी हो गई कि मैंने सब सुन लिया। अच्छा उसके गलतफहमी जल्दी दूर हो गई वरना। और माता जी, आपके माता जी को आशा बहुत पसंद है, और फिर बेचारी आशा आपसे बहुत मोहब्बत करती है। कल्पना मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता कि तुम मेरी कल्पना हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तब तो हम दोनों एक ही बीना के दो तार हैं। एक बीना दो तार? जी हाँ, एक देवता के दो पुजारी। नमस्कार महादेव को, नमस्कार नटराज, कला पुजारन आई है इन चरणों में आज। नमस्कार भगवान को जिसने बनाई प्रीति, एक देवता दो पुजार ने किसकी, एक देवता दो पुजार ने किसकी होगी जीत। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। तू है मेरा प्रेम देवता, मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, मैं गौरी तू का मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, नदिया हो कर प्यासी हूँ मैं। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। तू है मेरा प्रेम देवता, डम 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 रूबाजे, मैं नाचूं शंकर के हाथ, डम 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 रूबाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे, डम 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 रूबाजे, हा
डमरो आज मैं नाचू शंकर के आगे, हो के रहेगी जीत उसी की, हो के रहेगी जीत उसी की, जिसकी कला से शंकर जागे, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा तक प्यास हूँ, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। Ah, di, ah, adi, 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 ah, adi,
आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम लोग जा सकते हो। अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। इसमें आपका दोष तो नहीं, आप हमेशा सच बोलते रहे। मैंने ही आपके सच को मजाक समझा, गलती मेरी है। इसमें आपका दोष तो नहीं, आप हमेशा सच बोलते रहे। मैंने ही आपके सच को मजाक समझा, गलती मेरी है, आपकी नहीं। आशा, मोहब्बत एक ही तरह की तो नहीं होती। तुम हमेशा मुझे अपना दोस्त समझना, अपने दुख दर्द में मुझे शरीक समझना। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी तरह भी आपके काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी तरह भी आपके काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर बहुत असर है, होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार तुमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। लेकिन आशा, जिंदगी रोने का नहीं, हंसने का नाम है। हर हंसी में जिंदगी नहीं होती अमर बाबू, मगर हर जिंदगी में आंसू जरूर होते हैं। जिंदगी रोने का नहीं, हंसने का नाम है। हर हंसी में जिंदगी नहीं होती अमर बाबू, मगर हर जिंदगी में आंसू जरूर होते हैं। जब शबनम रोती तब भी फूल हंसता है। खैर छोड़िए इन बातों को। माँ। हाँ बेटी।
अब मेरे वो अरमान पूरे हो जाएंगे जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रही हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, पुरानी जिंदगी एक सपने की तरह खत्म हो जाएगी। मैं एक अच्छे घर के बहू बनूंगी, मुझे अच्छा पति मिलेगा, इज्जत मिलेगी माँ। तुझसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, मुझे अच्छा पति मिलेगा, इज्जत मिलेगी माँ। तुझसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन कल्पना, तुझे अमर बाबू पे भरोसा है ना? पूरा भरोसा है माँ। अगर ऐसा है तो शिकन कल्पना, तुझे अमर बाबू पे भरोसा है ना? पूरा भरोसा है माँ। अगर ऐसा है तो शादी से पहले उन्हें सब कुछ कह दे, बात खुलने पर मुझे न समझे कि तुमने उन्हें धोखा दिया है। तुम ठीक कहती हो माँ, अभी अमर बाबू आने वाले हैं, आज मैं उनसे सब कुछ बता दूंगी। कितने जोर से बिजली चमकी, मैं डर गई माँ। आने वाले हैं, आज मैं उनसे सब कुछ बता दूंगी। कितने जोर से बिजली चमकी, मैं डर गई माँ। बहुत जोर का तूफान आ रहा है माँ, अमर बाबू आ गए। मुझे हुजूर से सब कुछ साफ साफ कहना पड़ा। तुम कहां गई थी, किससे मिली थी, यहां कब आई हो और क्या चाहती हो? आवाज बंद करो। तुम्हारी मां कहां है? कमरे में। उससे कहो ठाकुर साहब आए हैं। कमरे में। उससे कहो ठाकुर साहब आए हैं। अमर कौन है? मेरी बात का जवाब दो, अमर कौन है? वो यहां भारतीय कला केंद्र की प्रिंसिपल है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि अमर अमीर आदमी है तो ये तुम्हारी भूल है, वो एक मामूली आदमी है। जिंदगी में रुपया ही तो सब कुछ नहीं होता ठाकुर साहब। ओहो, तो मामला यहां तक पहुंच चुका है। वो तुम्हें कब से और कहां से जानता है? ये आदमी है। जिंदगी में रुपया ही तो सब कुछ नहीं होता ठाकुर साहब। ओहो, तो मामला यहां तक पहुंच चुका है। वो तुम्हें कब से और कहां से जानता है? हम दोनों पहाड़ पर मिले थे। लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर राजघाट से भागकर वहां क्यों गई? जवाब दो। हुजूर, बात यह है कि हम तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से पूछना चाहते हैं। बोलती क्यों नहीं? क्या वो तुम्हें पहचानता है कि तुम कौन हो? मोहब्बत की नजर आत्मा को देखती है, रंग रूप नहीं। जमीन पर रहकर आसमान की बातें हो? तुमने अपनी लड़की को काफी होशियार कर दिया है। क्या वो ये जानता है कि तुम्हारी मां कितने ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है? जी नहीं। तो तुमने अमर को धोखे में रखा है। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें यकीन है कि उसे सब कुछ मालूम हो जाने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा? ठहराओ, मेरी मौजूदगी में यहां कोई भी नहीं आ सकता। तुम जाओ, जो भी हो उसे वापस कर दो। ठहरो जोहर। हजूर, शायद अमर आया है, मैं आपसे। मैं किसी से हंगामा करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि रोज रोज के ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अगर तुमने उसे नहीं बताया है तो आज साफ साफ बता दो कि तुम कौन हो। अगर उसके बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो आज साफ साफ बता दो कि तुम कौन हो।
अगर उसके बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जाओ उसे अंदर लेकर आओ। बता दो कि हम कौन हैं। आप राजगढ़ के ठाकुर साहब हैं। इन्हें बता दो कि हम कौन हैं। आप राजगढ़ के ठाकुर साहब हैं। और हमारा नाम है ठाकुर दलीप सिंह। आप कौन हैं, क्या हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। और हमारा नाम है ठाकुर दलीप सिंह। आप कौन हैं, क्या हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। फैसला जल्दी हो जाएगा। फैसला? किस्मत का फैसला? आज इन्हें अपनी किस्मत का फैसला करना होगा, अभी इसी वक्त हमारे सामने। समझा नहीं? समझाया गया होता तो आप समझते। ये मामला क्या कल्पना? अमर बाबू, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आइए मेरे साथ। ठहरो। बात हमारी मौजूदगी में होगी और फैसला भी हमारे सामने। तुम अपने बारे में साफ साफ बता दो। अमर बाबू, मैं मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? मेरे लिए तो तुम्हें डर किस बात का? आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आज ही आपसे सब कुछ बताने वाली थी। आओ मेरे साथ। ठहरिए, मेरे होते हुए आप इस लड़की को यहां से नहीं ले जा सकते। आप मुझसे लड़ना चाहते? लड़ना तो आपको अपने से होगा, यह मालूम होने के बाद कि यह औरत रंगीन कपड़ों में छुपा हुआ एक जीता जागता गुनाह है। यह झूठ है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, गुनाहगार, बाजारी, खानदानी तबाही क्यों नहीं कहते? लेकिन अमर बेटा, मेरी कल्पना का जीवन उसी तरह पाक और पवित्र है जिस तरह गंदे पानी में खिला हुआ कमल का फूल। लेकिन अमर बेटा, मेरी कल्पना का जीवन उसी तरह पाक और पवित्र है जिस तरह गंदे पानी में खिला हुआ कमल का फूल। ठाकुर साहब, मैंने इसे दुनिया की हर बुराई से दूर रखा है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। पहचान लिया है ना आपने? अगर इसके बाद भी आप इसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आप दोनों के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगा। और अगर नहीं, तो फिर इस लड़की को अपने पास। आपने अगर इसके बाद भी आप इसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आप दोनों के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगा। और अगर नहीं, तो फिर इस लड़की को अपने पास रखने का मुझे पूरा अधिकार। कोई अधिकार नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। अमर बाबू, भगवान जानता है मैं निर्दोष। मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूं। दोष मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूं। कहां जा रहे? ठहरो बेटा, ये मेरी बेटी है, सिर्फ इसलिए इसे अच्छी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं। इसकी जिंदगी से तमाम खुशियां इसलिए छीन ली जाएंगी कि मैं इसकी मां हूं। ऐसा न करो बेटा, ये निर्दोष है, इसकी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें को चाहा है। इस पर तरस खाओ, न जाने कितनी रातें इसने तुम्हारी याद में रो रो कर काटी हैं। कह दो इन लोगों से कि तुम कल्पना से शादी करने के लिए तैयार हो। यह फैसला अमर साहब को करना है, तुम्हें नहीं। कि तुम कल्पना से शादी करने के लिए तैयार हो। यह फैसला अमर साहब को करना है, तुम्हें नहीं। अमर बाबू,
जिंदगी देकर जिंदगी न छीनो अमर बाबू। मैं तुम्हारी बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ, जिंदा नहीं रह सकती हूँ। फिर आओगे ना अमर बाबू? फिर आओगे ना अमर बाबू? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम जैसी औरत का हाथ थामने के लिए पत्थर का जिगर चाहिए। आप मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहते थे, घोल दिया। मैंने तुम्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें अपनी मंजिल का पता लग जाए। मेरी आप मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहते थे, घोल दिया। मैंने तुम्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें अपनी मंजिल का पता लग जाए। मेरी मंजिल वही है जहाँ मैं खड़ी हूँ। इज्जत की जिंदगी देना आपके बस में नहीं, लेकिन इज्जत की मौत मेरे इख्तियार में जरूर है। मंजिल वही है जहाँ मैं खड़ी हूँ। इज्जत की जिंदगी देना आपके बस में नहीं, लेकिन इज्जत की मौत मेरे इख्तियार में जरूर है। माँ माँ, तुमने मुझे जन्म दी, तुम ही मुझे मौत की नींद भी सुला दो माँ। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। मेरी बच्ची की खुशियां बर्बाद करके आपने अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब। अगर इसका जन्म लेना ही इसका पाप है, मेरी बच्ची की खुशियां बर्बाद करके आपने अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब। अगर इसका जन्म लेना ही इसका पाप है, तो इस पाप के जिम्मेदार आपकी दुनिया है, आपका समाज है। कोई औरत अपने आप को खुशी से नहीं बेचती, गुनहगार आप लोग हैं जो प्राय बहु बेटियों की इज्जत को चांदी के टुकड़ों के बदले में खरीदते फिरते। किशोरी बाई, मेरा तन बदन जल रहा है, आपने मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहु बेटियों की इज्जत को चांदी के टुकड़ों के बदले में खरीदते फिरते। किशोरी बाई, मेरा तन बदन जल रहा है, आपने मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे कुछ समझ नहीं रहा ठाकुर साहब, आप चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। चलिए सरकार, फिर कभी आकर मामला साफ कर लीजिएगा। मुझे कुछ समझ नहीं रहा ठाकुर साहब, आप चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। चलिए सरकार, फिर कभी आकर मामला साफ कर लीजिएगा। इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे इसके फैसले से आगाह कर देना। बड़ी देर कर दी बेटा। आप अकेले डैडी और मेरी माँ? कल्पना क्यों नहीं आई बेटा? ऐसे आंधी तूफान में कैसे आती माँ? जैसे आप आ गए वैसे मेरी माँ भी आ जाती। बहुत देर हो चुकी, जा सो जा। आपने कहा था मेरी माँ को जरूर लाएंगे। बक बक मत करो, जा सो जा। तुम कुछ परेशान दिखते हो बेटा। क्या बात है? कुछ नहीं। तुम एक दिन के लिए नहीं रख सकती? आज रात को ठाकुर साहब के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, दो चार घंटे के लिए चली जाओगी तो 1500 रुपया मिल ही जाएंगे। तुम इतनी बड़ी रकम काहे को ठुकरा रही? आज रात को ठाकुर साहब के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, दो चार घंटे के लिए चली जाओगी तो 1500 रुपया मिल ही जाएंगे। तुम इतनी बड़ी रकम काहे को ठुकरा रही हो? जल्दी चलो बेटी, नहीं तो गाड़ी नहीं। इस तरह कब तक भागती रहेगी माँ? अगर इसका यही हाल रहा तो ये जी भी न सकेगी, मर भी न सकेगी। इस पर जो बीतेगी वो भुगत लेगी। तुम आज से ये समझ लो कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और साथ साथ में माँ भी। बातें बनाना आसान है माँ, जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल। कल्पना, तुम आज से ये समझ लो
कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और साथ साथ में माँ भी। बातें बनाना आसान है माँ, जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल। कल्पना तुम अपने साथ हम सबको बर्बाद करोगे। न जाने तुम अपनी बहन को कब समझोगे जोहर। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कहता था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं अपने साथ हम सबको बर्बाद करोगे। न जाने तुम अपनी बहन को कब समझोगे जोहर। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कहता था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं जाता हूं। उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं सका कल्पना। अब ऐसा नहीं होगा। मेरी कोशिश आपको धोखा देने की नहीं थी और मैं धोखा दे भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ कल्पना, अब ऐसा नहीं होगा। मेरी कोशिश आपको धोखा देने की नहीं थी और मैं धोखा दे भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ कल्पना, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। कल्पना माँ जी तुमसे कई बार मिलना चाहती थी। कल्पना और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। कल्पना माँ जी तुमसे कई बार मिलना चाहती थी। मैं सोच रहा था अगर आज मेरी माँ के बारे में आपने उनसे बता दिया कि मैं उन्हें अभी कुछ नहीं मालूम और अभी मालूम नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी, मैं आज ही जाऊंगी। सिर्फ एक मौका और दीजिए हुजूर, अब की बार मुझे पूरा यकीन है कि ये आखिरी तीर खाली नहीं जाएगा। हम इतना जानते हैं, अगर कल्पना ने हमारी खुशी को ठुकराया और आज रात की दावत में हमारी महफिल की जीनत ना बनी तो तुम्हारा भी वजीफा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बात यह है, मैं तो जाओ और उसे फिर समझाओ, उसकी जवानी और हुस्न को दिल नहीं। आज की दावत में हमारी महफिल की जीनत ना बनी तो तुम्हारा भी वजीफा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बात यह है, मैं तो जाओ और उसे फिर समझाओ, उसकी जवानी और हुस्न को दिल नहीं दौलत चाहिए। अमर जैसे मामूली आदमी के लिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। हेलो, वो कल्पना, मैं अमर बोल रहा हूँ। कल्पना मुझे अफसोस है मैं इस वक्त आ नहीं सकूंगा, कॉलेज में खास मीटिंग होने वाली। हाँ तुम खुद मान। हेलो, वो कल्पना, मैं अमर बोल रहा हूँ। कल्पना मुझे अफसोस है मैं इस वक्त आ नहीं सकूंगा, कॉलेज में खास मीटिंग होने वाली। हाँ तुम खुद माजी से मिल लेना जाकर, मैंने उनसे कह दिया वो तुम्हारा इंतजार करेंगी। अच्छी बात है, मैं शाम को आ जाऊंगा तुमसे मिलने। थैंक यू। अरे मैं तो पहले किसी और लड़की को समझे हुए थी। हाँ मुन्नी को मालूम था कि कल्पना कौन है, लेकिन इसने मुझे भी नहीं बताया। कैसे बताती, डैडी ने कहा था किसी से बताना मत, दादी से भी नहीं। मुन्नी दादी, मेरी माँ आ गई। मैं अमर की माँ हूँ। जीती रहो बेटी, बिल्कुल तस्वीर की तरह। आओ बेटी इनसे मिलो, हमारी पड़ोसी ने है तुम्हें देखने के लिए आई। नमस्ते। 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 जीते रहो बेटे, मुबारक हो बहन, मुबारक, लाखों में एक है। दीदी जैसे सुना वैसे ही पाया, तुम्हारे बेटे की पसंद की तारीफ करनी पड़ती है। अरे तो मेरा बेटा कोई ऐसी वैसी मुबारक हो बहन, मुबारक, लाखों में एक है। दीदी जैसे सुना वैसे ही पाया, तुम्हारे बेटे की पसंद की तारीफ करनी पड़ती है। अरे तो मेरा बेटा कोई ऐसी वैसी लड़की का हाथ थोड़े ही पकड़ेगा। बैठो बेटी। गुड आफ्टरनून। माँ जी यही मैम साहब हमको कश्मीर में मिला था। तू तो आशा के लिए भी यही कह रहा था। माँ जी दोनों का फेस एक माफिक है, हम सचमुच चक्कर खा गया था। अच्छा अच्छा,
जा इनके लिए कुछ खाने पीने को ले आ। दादी मैं लेके आऊंगी। अच्छा बेटा जल्दी लाना। हाँ। बहन जी अब शादी जल्दी हो जाना चाहिए। भगवान ने चाहा तो ये पीने को ले आ। दादी मैं लेके आऊंगी। अच्छा बेटा जल्दी लाना। हाँ। बहन जी अब शादी जल्दी हो जाना चाहिए। भगवान ने चाहा तो ये शुभ काम इसी महीने में हो जाएगा। वर्षों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी होगी जब कल्पना बहू बनकर इस घर में आएगी। शुभ काम इसी महीने में हो जाएगा। वर्षों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी होगी जब कल्पना बहू बनकर इस घर में आएगी। कौन हो तुम? आला वर्ष मैं कल्पना का भाई हूँ। कल्पना के भाई? अरे बेटा तो बाहर क्यों खड़े? कौन हो तुम? आला वर्ष मैं कल्पना का भाई हूँ। कल्पना के भाई? अरे बेटा तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। यहाँ कुछ औरतें बैठी हैं। तुम उस कमरे में जाकर बैठो। जी जरा मुझे जल्दी जाना है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने चलाया था। शुक्रिया? किस बात का बेटा? उसने काम का जो आप और आपके बेटे अमर बाबू मेरी बहन के लिए कर रहे। जोहर शुक्रिया अदा करने चलाया था। शुक्रिया? किस बात का बेटा? उसने काम का जो आप और आपके बेटे अमर बाबू मेरी बहन के लिए कर रहे। जोहर तुम कहना क्या चाहते हो? घबराओ नहीं। मैं तो माजी से सिर्फ ये कहने आया हूँ कि घर तो सभी बसा लेते हैं लेकिन तुम जैसी औरत को अपनी बहू बनाना बस आप जैसी देवियों का काम है। सच कहता हूँ माँ जी अगर आप लोग न होते तो मेरी बहन शायद किसी बाजार के कोटनी बहू बनाना बस आप जैसी देवियों का काम है। सच कहता हूँ माँ जी अगर आप लोग न होते तो मेरी बहन शायद किसी बाजार के कोठे पर गाते बजाते। कोठे पर? अरे क्या कह रहे हो तुम? क्यों आपको नहीं मालूम कि हम लोग? अरे कल्पना तुमने माताजी से नहीं बताया कि हमारा खानदानी पेशा? जोहर माँ जी क्या यह सच है कि? सच है माँ जी लेकिन मेरे ऊपर उस गंदगी का कोई असर नहीं जिसमें मैंने आंख खोली। मैं एक जगह से दूसरी जगह भागती फिरी तरह तरह के दुख झेले हैं लेकिन मेरे ऊपर उस गंदगी का कोई असर नहीं जिसमें मैंने आंख खोली। मैं एक जगह से दूसरी जगह भागती फिरी तरह तरह के दुख झेले हैं ताकों तक मरी हूं लेकिन भगवान जानता है अपने पेट की आग में अपनी लाज और इज्जत को जलने नहीं दिया। अमर जानता है कि तुम्हारी माँ ताकों तक मरी हूं लेकिन भगवान जानता है अपने पेट की आग में अपनी लाज और इज्जत को जलने नहीं दिया। अमर जानता है कि तुम्हारी माँ? हाँ माँ जी उनको मालूम है लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। माँ जी अगर मेरा गुनाह यही है कि मेरा जन्म गुनाह की गोद में हुआ है तो मैं गुनाह का नहीं हूं। माँ जी मैं गुनाह का नहीं। मैं समझती हूँ बेटी मैं समझती हूँ कोई भी अपने जन्म से पापी नहीं होता लेकिन बेटी जब तक यही दिन रात है यही दुनिया है यही समाज है लेकिन माँ जी अमर बाबू को दुनिया और समाज की कोई परवाह नहीं। आप सिर्फ यही दिन रात है यही दुनिया है यही समाज है लेकिन माँ जी अमर बाबू को दुनिया और समाज की कोई परवाह नहीं। आप सिर्फ हाँ कर दीजिए आप सिर्फ हाँ कर दीजिए अम्मा जी। परवाह न होती तो मुझसे छिपाता नहीं और अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं पड़ोसनों को न बुलाती। खैर अमर शादी के लिए तैयार है तो मुझे भी कोई इनकार नहीं। माँ जी लेकिन बेटी शादी के बाद इतना जरूर करना मुझे भी कोई इनकार नहीं। माँ जी माँ जी लेकिन बेटी शादी के बाद इतना जरूर करना कि मुन्नी को अपने से दूर रखना। मेरा मतलब है किसी हॉस्टल में या और कहीं
और ये बात किसी को मालूम ना हो बेटी कि मुन्नी की माँ एक, अगर किसी को मालूम हो गई तो मुन्नी भी तुम्हारी तरह एक अच्छे घर अच्छे जीवन साथी के लिए तड़पेगी रोएगी कि मुन्नी की माँ एक, अगर किसी को मालूम हो गई तो मुन्नी भी तुम्हारी तरह एक अच्छे घर अच्छे जीवन साथी के लिए तड़पेगी रोएगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि दुनिया में हर मर्द अमर और हर औरत कल्पना नहीं होती अब ये बात खुल गई है इसलिए मैं समझ गई माँ जी मैं मुन्नी की माँ बन सकती हूँ लेकिन मुन्नी मेरी बेटी नहीं बन सकती आप फिक्र न कीजिए समझ गई माँ जी मैं मुन्नी की माँ बन सकती हूँ लेकिन मुन्नी मेरी बेटी नहीं बन सकती आप फिक्र न कीजिए ये शादी नहीं हो सकती मैं अमर से क्या कहूंगी बेटी वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है मुझे मालूम है माँ जी लेकिन अब वो आपसे खुद कहेंगे कि वो मुझसे नफरत करते हैं क्या मतलब क्या तुम जानबूझकर हाँ माँ जी मुझे मालूम है माँ जी लेकिन अब वो आपसे खुद कहेंगे कि वो मुझसे नफरत करते हैं क्या मतलब क्या तुम जानबूझकर हाँ माँ जी बस आपसे सिर्फ इतनी अर्ज है कि आप किसी से कुछ भी नहीं कहिएगा अमर बाबू से भी नहीं मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ मुन्नी तुम कहाँ जा रही हो माँ मुन्नी तुम कहाँ जा रही हो मेरा जाना ही अच्छा है मुन्नी और अब शायद यहाँ कभी आना ना हो नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी दादी मेरी माँ को रोको दादी मेरी माँ को रोको जाने दो मुन्नी मुझे जाने दो तेरे प्यार ने मेरे कदम रोक लिए तो जी घर में कोई नहीं है कहाँ गए ठाकुर साहब आए थे मेम साहब को अपने साथ घर ले गए ठाकुर साहब ले गए शांति ठाकुर साहब बड़ी देर हो गई है और शांति फ्लैट उरे आ उधर कुड़ी नु लेके आ थोड़ा जिया टप्पा करा असि शांति फ्लैट होने क्या बात जल्दी बुलाओ बहुत अच्छा आवे ना जल्दी आ इतनी देर लाती हूं आप सोच क्या रही हो ठाकुर साहब के सारे मेहमान आ चुके हैं वो लोग तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं। काश तुम्हें अपनी बहन की बेचैनी का भी ख्याल होता जोहर अब देर किस बात की है कुछ नहीं हुजूर कल्पना अभी तैयार होती है चलो उसे जल्दी करो अब आ गई हो तो गाना ही पड़ेगा मुझे यकीन था यहां जरूर आ जाएंगे ठाकुर साहब मेरे मेहमान को इज्जत के साथ बिठाई मुझे यकीन था यहां जरूर आ जाएंगे ठाकुर साहब मेरे मेहमान को इज्जत के साथ बिठाई आइए प्रिंसिपल साहब माफ कीजिए ठाकुर साहब मैं बिना बुलाए चला आया कोई बात नहीं कल्पना का मेहमान हमारा मेहमान तशरीफ ले चलिए कल्पना से जरा बात करना चाहता था ये वक्त बात करने का नहीं गाना सुनने का है ओ, 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 शांति बुलाए ओ तू किथे हूं दस शांति बुलाए तू है कि मैं कर्नल साहब बात कीजिए ओ ठाकुर साहब मैं पलटूना फारण कर दिया हां हां बहुत कर दिया आपने चलिए बैठिए ओ बैठा भाई बैठा ओ तशरीफ ही रख ओ बलिए हजरत हजे तीन चार तोड़े ते कर दे सारा नु शांति फ्लैट Ah
बात दिखाते हैं, किसी से प्यार हो जाए तो उस पर मिट भी जाते हैं। हम मारो ना दा
कहां जा रही? बस हुजूर, मजबूर न कीजिए, अब इसे जाने ही दीजिए। कल्पना, कल्पना, कल्पना! कल्पना, कल्पना, कल्पना! तुम उस आदमी के घर क्यों गए जो तुम्हारी इज्जत और आबरू का दुश्मन? तुम उस आदमी के घर क्यों गए जो तुम्हारी इज्जत और आबरू का दुश्मन? मुझे क्या मालूम था कि आप भी वहां पहुंच जाएंगे। तो तुम मुझसे छुपकर ठाकुर के घर जाना चाहती थी? अमर बाबू, औरत की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनमें मर्द को नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब हुआ तुम कहीं जाओ, किसी से मिलो, कुछ भी करो और मैं खामोशी से देखता रहूं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें मेरी बनना है तो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ देना पड़ेगा? अमर बाबू, आप जानते हैं कि मैं राजाओं के साए में पली। कल्पना, तुम मेरा मिजाज, मेरा खर्च शाहाना है और छोड़ देना पड़ेगा? अमर बाबू, आप जानते हैं कि मैं राजाओं के साए में पली। कल्पना, तुम मेरा मिजाज, मेरा खर्च शाहाना है और ऐसी जिंदगी के लिए काफी आमदनी की जरूरत है। और देखिए, ठाकुर साहब ने मुझे कितने रुपए दिए हैं। जिस गंदगी से मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ, उल्टा तुम मुझे उसी गंदगी में घसीटना चाहती हो। मुझे ऐसी जिंदगी और ऐसी आमदनी से नफरत है। नफरत है? तो फिर जज्बात के सहारे जिंदा रहना तो बहुत मुश्किल है। कल्पना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमने ये पहले नहीं सोचा था? ये मुझे आपके घर जाकर महसूस हुआ कि आपकी आमदनी आप ही के लिए काफी नहीं, तो फिर मेरा खर्च कैसे चलेगा? और मैंने तो ये सब कुछ आप ही के लिए महसूस हुआ कि आपकी आमदनी आप ही के लिए काफी नहीं, तो फिर मेरा खर्च कैसे चलेगा? और मैंने तो ये सब कुछ आप ही के लिए ले लीजिए ना। क्या हुआ? मैं नहीं समझता था तुम इसके अंदर नीच, जलील और गिरी हुई औरत हो। तुम तो किसी वक्त भी धोखा दे सकती हो। यही आपकी मोहब्बत? इस तरह तो मेरा और आपका निभा होना बहुत मुश्किल। तुम जैसी औरत का ठिकाना किसी शरीफ आदमी का घर नहीं बल्कि बाजार, और बाजार की औरत से मुझे साफ ना साथ। चरणों की धूली मेरी किस्मत में लिखी थी। मैं ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्या हुआ? अमर बाबू, आप जानते हैं मैं राजा हूं। अमर बाबू, आप जानते हैं मैं राजाओं के साए में पली हूं। मेरा मिजाज
और खर्च शाहाना है, और फिर ऐसी जिंदगी के लिए काफी आमदनी की जरूरत है। ये देखिए ठाकुर साहब ने मुझे कितने रुपए दिए हैं, और मैंने तो ये सब कुछ आपके लिए। डैडी! ये आईना कैसे टूटा? अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस आईने के साथ साथ बहुत कुछ टूट गया है माँ। अनाना बबरे अना 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 अचरिया पियाना अना अना अचरिया पियाना देख ले चाहे सारा जमाना ओ अना अना अचरिया पियाना देख ले चाहे सारा जमाना ओ बाबू आप इतने परेशान क्यों हैं? अशम मुझे अफसोस है, मैंने उस औरत के लिए तुम्हारा दिल तोड़ा जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? अशम मुझे अफसोस है, मैंने उस औरत के लिए तुम्हारा दिल तोड़ा जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं अमर बाबू? यही कि मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को आशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा आशा, मैं दिलो जान से कोशिश करूंगा कि कल्पना को भूल जाने के लिए। आशा अब मुझे कल्पना से मोहब्बत? आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा आशा, मैं दिलो जान से कोशिश करूंगा कि कल्पना को भूल जाने के लिए। आशा अब मुझे कल्पना से मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत है उसमें। कल्पना को भुलाने के लिए आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं? ऐसा करके आप जुल्म करेंगे अमर बाबू, अपने आप पर, मुझ पर भी, क्योंकि इस शादी में आपकी खुशी नहीं मजबूरी है, और इस मजबूरी में मोहब्बत की तौहीन है, पर मुझ पर भी, क्योंकि इस शादी में आपकी खुशी नहीं मजबूरी है, और इस मजबूरी में मोहब्बत की तौहीन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती अमर बाबू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है तुमने, ठीक है।
आपके अचानक बेहोश हो जाने की वजह क्या थी डॉक्टर साहब? इनका इस तरह बेहोश हो जाना, क्या इनके दिल में या इसके अचानक बेहोश हो जाने की वजह क्या थी डॉक्टर साहब? इनका इस तरह बेहोश हो जाना, क्या इनके दिल में या दिल के आसपास कभी कोई तकलीफ हुई थी? जी हाँ, पहले तो कभी कभी चुभन सी होती थी, मगर अब तो अक्सर दर्द रहता है। मेरा ख्याल ठीक ही निकला। देखिए मिस कल्पना, अच्छा यही होगा कि मैं आपसे सच सच बता दूं, आपका ब्लड प्रेशर मामूल से बहुत ज्यादा है। जरा सी थकान से भी आपके दिल पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, आप फिर इसी तरह बेहोश हो सकते हैं, और इस तरह की बेहोशी अब की बार आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगी, इसलिए आपको नाच और गाना हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना होगा? ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में अगर अब थोड़ी बहुत दिलचस्पी रह गई तो वो सिर्फ संगीत है। नाचने गाने में तेरी जान जाने का खतरा है बेटी, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अगर अब थोड़ी बहुत दिलचस्पी रह गई तो वो सिर्फ संगीत है। नाचने गाने में तेरी जान जाने का खतरा है बेटी, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। मगर माँ, तू मेरी फिक्र ना कर, मुझे सहारा देने के लिए तू अपनी जान खतरे में डाल दे, ये मैं नहीं देख सकती। अच्छा मिस कल्पना, मैं चलता हूँ, मैं दवा भेजे देता हूँ, आप बराबर पीती रहिए, किसी को मेरे साथ। मैं चलता हूँ डॉक्टर। आइए, मुझे उम्मीद है अपने आप को आप अच्छा करने में मेरी पूरी मदद करेंगे। अच्छा, मुझे क्या रोग खाया जा रहा है डॉक्टर साहब को पता नहीं। मुझे पता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार मुझे क्या रोग खाया जा रहा है डॉक्टर साहब को पता नहीं। मुझे पता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं हूं, तुम मुझ जैसी माँ की बेटी ना होती। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो, तुम जैसी माँ होती मैं हूं, तुम मुझ जैसी माँ की बेटी ना होती। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो, तुम जैसी माँ होती। न जाने कितनी ऐसी लड़की ऐश और आराम से जिंदगी बसर कर रही है, मैं भी कर सकती थी। न जाने कितनी ऐसी लड़की ऐश और आराम से जिंदगी बसर कर रही है, मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। गलती मेरी है कि मैंने समाज और सोसाइटी में वहां पहुंचना चाहा जहां मुझ जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं। मैं भूल गई थी माँ कि मेरे कदम जिस घर में जाएंगे वहां के लिए कोई जगह नहीं। मैं भूल गई थी माँ कि मेरे कदम जिस घर में जाएंगे वहां की सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी, सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। सारा कसूर मेरा है, सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी, सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। सारा कसूर मेरा है, गलती मेरी है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे जरूर है। बैठो, मुझसे कुछ नाराज मालूम होती हो, मैं तो तुम्हारे रास्ते से हट गई हूं, तुमको तो खुश होना चाहिए आशा। अमर बाबू को दुखी बनाकर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? मैं तो तुम्हारे रास्ते से हट गई हूं, तुमको तो खुश होना चाहिए आशा। अमर बाबू को दुखी बनाकर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? मैं ये पूछने आई हूँ कि उन्हें धोखा देना था तो मोहब्बत के झूठे वादे क्यों किए, शादी का इकरार क्यों किया? बेटी, शायद तुम ये देखने आई हो कि ये अमर बाबू को छोड़कर कितनी खुश है, लेकिन तुम्हें इसकी हालत का माँ माँ तुम चुप रहो माँ। कब तक चुप रहो? अंदर ही अंदर माँ, तुम ये अमर बाबू को छोड़कर कितनी खुश है, लेकिन तुम्हें इसकी हालत का माँ माँ तुम चुप रहो माँ। कब तक चुप रहो? अंदर ही अंदर माँ, तुम जाओ माँ, तुम जाओ, तुम नहीं समझ क्या होगी। अब बात क्या है? कुछ नहीं आशा, कुछ नहीं,
वो मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन कल्पना देवी, इस नफरत में अब भी आपकी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद? उनकी जो हालत है। लेकिन कल्पना देवी, इस नफरत में अब भी आपकी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद? उनकी जो हालत है वो अगर उनको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? मत है वो अगर उनको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? माँ उनकी हालत ये है तो मैं आशा उन्हें समझाओ कि मुझ जैसी औरत के लिए वो अपने आप को कुछ ऐसा करो आशा कि वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए और तुम्हें अपना बना ले। मुझे? हाँ, तुम उनसे मोहब्बत करती हो, उनको सहारा देना तुम्हारा फर्ज है आशा। आप चाहती क्या है आशा? आशा, तुम उनसे मोहब्बत करती हो, उनको सहारा देना तुम्हारा फर्ज है आशा। आप चाहती क्या है आशा? आशा, तुम उनसे शादी कर लो आशा, तुम उनसे शादी कर लो, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी और मुन्नी को एक अच्छी माँ का प्यार मिल जाएगा। ये सब कुछ तो आप भी दे सकती हैं। मैं मजबूर हूँ आशा, मैं मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। ये सब कुछ तो आप भी दे सकती हैं। मैं मजबूर हूँ आशा, मैं मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आपके खामोशी में बहुत बड़ा राज मालूम होता है। कोई राज नहीं आशा, कोई राज नहीं। भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताइए। मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ आशा, मैं तुझे बताऊँ? नहीं, नहीं, नहीं। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं अपना गला घोंट लूँगी। मैं नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ आशा, मैं तुझे बताऊँ? नहीं, नहीं, नहीं। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं अपना गला घोंट लूँगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तेरी जान की कसम, मैं आशा से भी कुछ नहीं कहूंगी। ये क्या हाल है आपके? आप कुछ छूना मत मुझे। क्या हाल है आपके? आप कुछ छूना मत मुझे। ये लो। किस लिए? जो जमाना तुमने मेरे साथ गुजारा है, मैं जानता हूं उसके लिए रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन जो रकम ठाकुर साहब ने तुम्हें एक रात के मुजरे के लिए दी थी उससे ये कहीं ज्यादा है। जो जमाना तुमने मेरे साथ गुजारा है, मैं जानता हूं उसके लिए रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन जो रकम ठाकुर साहब ने तुम्हें एक रात के मुजरे के लिए दी थी उससे ये कहीं ज्यादा है। आप मुजरा सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। क्या सोचने लगी? मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। मैं नाचूंगी कल्पना, आपके लिए नाचूंगी। मेरे लिए नहीं, इस दौलत के लिए जिससे तुम्हें कोई भी खरीद सकता है। आप उस कमरे में तशरीफ रखिए, मैं अभी आती हूँ। जरा जल्दी। मुजरे की तैयारी करो माँ। ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। उनके कदमों में मेरा दम निकले, मैं ऐसे भगवान का ऐसा ना करो कल्पना, ऐसा नहीं करो। नहीं बेटी, नहीं। माँ मेरा सिंगार करो, माँ मेरा सिंगार करो। अब इतने ही अरमान है कि दुल्हन के रूप में वो मुझे एक बार देख ले, एक बार देख ले। मेरी बात तो सुनो। अब इतने ही अरमान है कि दुल्हन के रूप में वो मुझे एक बार देख ले,
एक बार मेरी बात तो सुनो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा मां, कभी नहीं आएगा। आज मैं खुशी से गाऊंगी, नाचूंगी। ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता। मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू। Oh,
दिन के प्यार का एहसान मेरे जो सर पे है उतर जाए, ये दो दिन के प्यार का एहसान मेरे जो सर पे है उतर जाए। कौन जाने कि सुबह होने तक राग भी क्षमा की बिखर जाए। ख्यालों से तो दूर न जाओ अमर बाबू। कैसी बातें कर रही हो बेटी? मुझसे दूर चले गए, मेरे ख्यालों से तो दूर न जाओ अमर बाबू। कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं नहीं, मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहा है माँ। कल्पना, मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहा है। कल्पना देखो, देखो बेटी, देखो मैं तुम्हारी माँ, न जाने मुझे क्या हो गया था माँ। क्या किया तुमने कल्पना? क्या तुमने क्या किया? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिस ऊंची जगह बिठाया था, मैं वहां से नीचे नहीं गिरी अमर बाबू। मुझे मालूम हो गया कल्पना, मुझे सब मालूम हो गया कल्पना। तुम इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी कल्पना। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने गिरी अमर बाबू। मुझे मालूम हो गया कल्पना, मुझे सब मालूम हो गया कल्पना। तुम इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी कल्पना। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं तुम्हारी बहू। कल्पना, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा कल्पना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती कल्पना। दुनिया की कोई ताकत। कल्पना, को बुलाइए। कल्पना, माँ, माँ, कल्पना, बेटी कल्पना, हम तुम्हें लेने आए हैं। कल्पना, माँ, माँ, मेरी माँ को क्या हो गया दादी? मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? माँ, 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 देखो तुम्हारी मुन्नी आई है माँ।
बोलती क्यों नहीं? माँ, 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 देखो तुम्हारी मुन्नी आई है माँ। आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। हट जाओ मुन्नी, तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। काश मैं अपनी जिंदगी इसी तरह बिता सकूं। ऐसा ही होगा कल्पना, ऐसा ही होगा। इसी तरह बिता सको। ऐसा ही होगा कल्पना, ऐसा ही होगा। सावन में हूँ बेकरार, सजन वास कह दीजो, मुरे घूंघट से झांके बहार, सजन वास कह दीजो। Thank you.